हेलो गाइस, दिस इज मंजीत एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, हमारे मोस्ट ऑफ द डॉग ब्रीड की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड पावरफुल डॉग ब्रीड के बारे में, एंड दैट इज तिब्बतन मैस्टिफ, जिसे हम लोग टीएम के नाम से भी जानते हैं। सो भाई, तिब्बतन मैस्टिफ एक कॉमन डॉग ब्रीड नहीं है जो कि आप लोगों को इजिली कहीं पर भी मिल जाते हैं। ये काफी रेयर डॉग ब्रीड है और काफी कम ब्रीडर्स के पास आप लोगों को मिलेगी, और अगर मिलती भी है तो भाई हो सकता है कि क्वालिटी आप लोगों को अच्छी ना भी मिले, लेकिन इन ब्रीडर्स के पास आप लोगों को टॉप क्वालिटी मिलने वाली है, और वो भी अलग अलग कलर्स में। क्योंकि अगर आप लोग इन ओनर से डॉग्स को परचेज करते हो तो इनकी पूरी लाइफ टाइम की गारंटी होती है, चाहे आप लोग टीएम को परचेज करो या फिर ग्रेडियन को, क्योंकि ग्रेडियन के अंदर भी काम करते हैं। तो भाई, तिब्बतन मैस्टिफ एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि भाई काफी पावरफुल होते हैं, इन्हें ट्रेन करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि एक स्टबन डॉग ब्रीड है। तो अगर आप लोगों को डॉग्स की अच्छी खासी नॉलेज है और आप लोगों को लगता है कि हम लोग तिब्बतन मैस्टिफ को हैंडल कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स आप लोग इस ब्रीड के लिए जा सकते हैं। तो भाई, तिब्बतन मैस्टिफ का जो कोट होता है वो भी काफी लंबा होता है, लेकिन भाई ये सीजनली सेट करता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रोज रोज हेयर्स मिलेंगे, ये काफी कम देखने को मिलता है इस ब्रीड के अंदर। गाइस, अगर टीएम यानी तिब्बतन मैस्टिफ के टेम्परामेंट की बात करें तो फैमिलीज के लिए बहुत ही लविंग, काफी फ्रेंडली होते हैं, एंड अगर आप लोगों के घर में ऑलरेडी कोई कैट कोई डॉग्स है ना, उनके साथ भी ये कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरे स्ट्रेंजर्स दूसरे एनिमल्स के लिए ये अग्रेसिव होते हैं। वैसे आप लोग पपीज की क्वालिटी के साथ साथ इनका फर और इनका कलर देखें, भाई बहुत ही लाजवाब है, और पपीज बहुत ही हैवी बोन है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि तिब्बती मैस्टिफ एक बहुत ही हैवी डॉग ब्रीड है, एक बहुत ही लार्ज डॉग ब्रीड है, जिन्हें आप लोग अपार्टमेंट्स में नहीं रख सकते, छोटे घरों में नहीं रख सकते। तिब्बतन मैस्टिफ एक मीडियम एनर्जी लेवल की डॉग ब्रीड है, और कई बार क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है और हम लोग सोचते हैं कि क्या हम लोग अपने डॉग्स को घर में अकेला छोड़ सकते हैं, क्या वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास तिब्बतन मैस्टिफ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं और 4-5 घंटे के लिए ये आसानी से अकेले भी रह सकते हैं। एंड गाइस, इस ब्रीड को एक बैलेंस डाइट देनी चाहिए, अगर आप लोग ज्यादा ओवर फीडिंग करोगे तो इनका वेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा लेजी हो जाएंगे, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें। इन्हें टाइम पर वॉक एंड एक्सरसाइज भी कराएं, वैसे इन्हें ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत तो नहीं होती। एंड हाँ, अगर बात करें इनके पेरेंट्स के बारे में, तो इनके जो पेरेंट्स की फोटो वीडियोस हैं वो ओनर आप लोगों को पर्सनली सेंड कर देंगे, नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल के आइकन को भी जरूर ऑल पर कर लें, ताकि सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए, मैं आप लोगों को इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूं। लेकिन यार, एक इंटरेस्टिंग बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया कि ये जो तिब्बतन मैस्टिफ है ना, इन्हें आप लोग पेपर्स के साथ भी परचेज कर सकते हो और विदाउट पेपर्स भी, क्योंकि ये जो पपीज हैं ये केसी रजिस्टर्ड है, और ये चीज मुझे पहली बार पता लगी, मुझे नहीं पता था कि भाई तिब्बतन मैस्टिफ केसी रजिस्टर्ड भी होते हैं। एनीवेज, फाइनली अगर इनकी एज के बारे में बात करें तो पपीज जो है ये 54 डेज के हो चुके हैं, उन्होंने 2 वैक्सीनेशन भी करा रखी है, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। बाकी आप लोग डायरेक्ट जाकर भी परचेज कर सकते हो, या फिर ओनर आप लोग को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड प्राइसिंग की बात करें तो उन्होंने पपीज का प्राइस रिवील नहीं कर रखा, वो जानने के लिए डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बाकी प्राइस क्या होगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। सो मिलता हूं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।